हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी अमित एजुकेशन। एचपी अमित एजुकेशन जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कलत्र, दारा, नंदिनी, प्राणप्रिया। तो इनमें कौन सा जो है वो आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी नंदिनी, बाकी ये कलत्र, दारा, प्राणप्रिया जो है वो पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द है, जीवात्मा, जीव, जीत या जन। तो हंस शब्द का जो है वो अनेकार्थी शब्द यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, जीवात्मा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपित का तद्भव शब्द है, कपूर, कैथा, केला, खजूर। ठीक है, ये शब्द रूप से आपके सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये डिटेल में क्लास में हमारी करवाए जाते हैं, तो आप क्लासेस में एनरोल करके ये सारे कंसेप्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी कैथा, कपित का तद्भव शब्द होता है आपका कैथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में संकर शब्द है, प्रकाश, कपूर, छायादार, पगड़ी। तो इसका जो है क्या आएगा राइट आंसर, आप भी अपने से साथ में लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं खुद को। ऑप्शन सी छायादार जो है यहाँ पर संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, चमक, सौदामिनी, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सौदामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनीक का पर्यायवाची है, यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो अनीक का पर्यायवाची है, अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या आएगा राइट आंसर, अगर आपने ऐसा सोचा इसका ऑप्शन बी सेना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। तो उच्च का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपका सी बड़ा जो है वो नहीं है, बाकी सभी समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची बताएं, व्यालराज, मकरंद, मतंग, पनपति। क्या आएगा हाथी का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मतंग जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यशाला शब्द है, क्या है, योगरूढ़, यौगिक, अयोगिक या रूढ़ शब्द। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यौगिक। ठीक है, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, वैद्य, धन, शाला, तो यौगिक आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़ शब्द चुनिए, राजनैतिक, चक्रपाणी, त्रिकोण, गरल। तो इसका जो है वो क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, गरल जो है वो रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंग्लिश सेक्शन से, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन से आपके इंग्लिश के आज के क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन ब्लैंक कार यू बोरोड, व्हाट फिल होगा, हुज, बाय या हाउ। कौन सा जो है यहाँ पर प्रोनाउन आपका फिल होगा, तो इसमें जो है वो आपका राइट आंसर होगा फिल, हुज, ऑप्शन बी, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन हुज कार यू बोरोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक टीच यू संस्कृत, Who, did, by and when? तो इसका जो है वो क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, Who teaches you संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I gave him all the money blank I had. Whose, what, when and that? क्या आएगा इसका राइट आंसर, I gave him all the money that I had. ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, There is nothing blank I can do for you. That, does, why and when. तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, that. There is nothing that I can do for you. Next question, blank is your problem. How, what, when and which. कौन सा प्रोनाउन इसमें आपका फिल होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी, What is your प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सेंटेंस एरर से, क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड वेयर देयर इज एन एरर इन एनी पार्ट।
इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव नो एरर, ऑप्शन डी। कौन सा आएगा, ए बी सी एंड डी, कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है, ध्यान से देखिए और करिए आंसर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी नो एरर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज नन हु कैन स्पॉट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड एंड नो एरर, ऑप्शन डी। कौन सा आएगा, ए पार्ट में एरर है, बी में, सी में या डी में, कौन से पार्ट में आपका यहाँ पर एरर है। तो देखो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, हु कैन स्पॉट यू पार्ट बी में एरर है। अब यहाँ पर क्या एरर है, ये जो हु लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हु नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, दैट आएगा, दैट कैन स्पॉट यू। ऑल हो गया, नन हो गया, ठीक है, सेम हो गया, ओनली हुआ, इनके साथ जो जनरली रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होता है, यहाँ पे देखो नन है तो इसके साथ दैट लगा सकते थे, हु यूज़ नहीं होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। तो ए बी सी डी, ये आपके फोर ऑप्शन, कौन से पार्ट में एरर है, तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, देन हिम यहाँ पर एरर है। अब यहाँ पर क्या एरर है आपको दिख रहा है, देखो डी यहाँ पर लिखा है हिम, देन हिम, हिम नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ही आएगा, देन ही, देन के बाद जो है यदि आपके दो सब्जेक्ट हों तो उनके बीच की तुलना की जाती है तो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा, ना कि आपका ऑब्जेक्टिव केस का। तो ही जो वो आपका नॉमिनेटिव केस और हिम तो ऑब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ पर ही आना था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। तो यहाँ पे ए बी सी डी, कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी पार्ट में एरर है। अब सी में क्या एरर है यहाँ पर, तो देमसेल्फ जो हम ये लिखा हुआ है ये देमसेल्फ नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट जो वो आपका ऑफिसर है। जब दो नाउन जैसे आपका एज वेल एज, बिसाइड्स हुआ, इन एडिशन हुआ, इनसे संयुक्त होते हैं तो वर्ब और प्रोनाउन पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग होती है, तो यहाँ पे ऑफिसर के अकॉर्डिंग हीज आना था, नॉट देमसेल्व्स आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। तो कौन सा एरर है यहाँ पे, ए बी सी डी, कौन से पार्ट में आपका एरर है, ध्यान से देखिए करिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। अब यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर ये जो हु लिखा है यू, यहाँ पर हु नहीं आएगा, हु की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, बिच आएगा, ठीक है, या फिर दैट भी लगा सकते हैं, दैट रिमाइंड्स हिम। ओके, जब किसी भी प्रोनाउन के पहले दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये दो एंड से जुड़े हुए हैं तो प्रोनाउन जो अपने पास आए नाउन से गवन होता है, तो यहाँ पे विच या दैट का यूज होना था, नॉट हु का होना था। तो डियर स्पिनर्स, ये थे हमारे आज के इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपकी जो फीडबैक रहती है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम और इसी तरह के एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।